तो इस एडिटोरियल में बात की गई है, वो की गई है कोरोना वायरस के तीसरी स्टेज में फैलने के डर के संबंध में। ये जो फ्राइट लिखा हुआ है ना, इस फ्राइट का मतलब होता है भय या फिर डर, कि यह है डर भारत में बना हुआ है कि कोरोना वायरस जो है तीसरी स्टेज में प्रवेश कर सकता है। कौन सी है तीसरी स्टेज? कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कम्युनिटी ट्रांसमिशन, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, कि भाई कोरोना वायरस जो है पूरे के पूरे समाज में या पूरे के पूरे समुदाय में फैलने लगे, तो उसका डर जो है बना हुआ है। तो उस संबंध में एडिटोरियल चर्चा करता है स्टेज फ्राइट। लिमिटिंग ट्रांसमिशन इन हॉट स्पॉट्स डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग। लिमिट का मतलब होता है सीमित करना, कि भाई ये जो ट्रांसमिशन है, ये जो फैलाव है ना कोरोना वायरस का, इसको सीमित करना। किन जगहों पे सीमित करना? हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट का मतलब होता है ऐसी जगह है जो कि सर्वाधिक गतिविधि का केंद्र होती है ना, उनको बोलते हैं हॉट स्पॉट। जहाँ बहुत सारे लोग बाग हों, जहाँ बहुत ज़्यादा हलन चलन हो रही हो, उनको बोलते हैं हॉट स्पॉट्स। तो ये जो हॉट स्पॉट्स हैं, जो कि मतलब जहाँ पर लोग बाग जो है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं या जहाँ बहुत ज़्यादा गतिविधि होती है, उन गतिविधियों की जगह पर अगर हम चाहते हैं कि इस ट्रांसमिशन को, कि कोरोना वायरस के फैलने को कम से कम किया जा सके, तो यह इस बात पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन ए वाइडर ट्रेसिंग एंड टेस्टिंग स्ट्रेटजी, कि हम क्या करें, वाइडर व्यापक ट्रेसिंग यानी पता लगाना एंड टेस्टिंग स्ट्रेटजी, कि हम व्यापक रूप से जो है पता लगाएं, ऑन ए वाइडर ट्रेसिंग, कि भाई पता लगाने की कोशिश करें कि कौन कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है, इसके अलावा ये व्यक्ति अन्य किन लोगों के संपर्क में आया, और इसके अलावा जो टेस्ट करते हैं ना, जो टेस्ट करके जो पता लगाते हैं कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति का, उस स्ट्रेटजी को, है ना। तो इन जो ये जो हमारी टेस्टिंग स्ट्रेटजी है, ये टेस्टिंग स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, है ना, वाइडर ट्रेसिंग होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पता लगाना चाहिए। तो इन सब बातों पर निर्भर करता है कि हम जो है इस कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सकें। आगे देखते हैं। इवन आफ्टर का मतलब है कि इसके बाद भी, के बाद भी, इवन आफ्टर द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन मार्च 28 अक्नोलेज्ड। अक्नोलेज्ड का मतलब होता है स्वीकारना, मानना, ऑन इट्स वेबसाइट, कि भाई हेल्थ मिनिस्ट्री ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर 28 मार्च को इस बात को स्वीकारा है। और हेल्थ मिनिस्ट्री के स्वीकारने के बाद भी क्या स्वीकारा है हेल्थ मिनिस्ट्री ने? दैट देर वॉज लिमिटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन। भाई हेल्थ मिनिस्ट्री का तो कहना है कि मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीमित है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने के चांसेस कम है। इंडिया नेशनल टास्क फोर्स फॉर कोविड-19, लेकिन भारत की जो टीम जो कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में लगी हुई है, यहाँ पे टास्क फोर्स का मतलब है कि वे डॉक्टर्स या फिर वे नर्स, ये वे सारे लोग जो कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में लगे हुए हैं, उनका क्या कहना है, कंटिन्यूस, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं टू डिनाई इट, कि भाई हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पे जो बात कही है ना कि साहब कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के, कम्युनिटी में फैलने के चांसेस कम है, लेकिन ये जो भारत की जो टास्क फोर्स है जो कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में लगी हुई है, वो लगातार इस बात को मना करती है, इनकार करती है ना। तो यानी कि ये जो टास्क फोर्स है, इसको काफ़ी अभी भी डर है, इसको भय है कि नहीं इसका कम्युनिटी लेवल पर ट्रांसमिशन हो सकता है। नाउ ए पेपर इन द इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च बाय ICMR, ये जो ICMR है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ना, तो इसके द्वारा एक पेपर प्रकाशित किया गया है, किसमें, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ना, एंड हेल्थ मिनिस्ट्री रिसर्चर्स, और ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़े हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय से जो जुड़े हुए जो शोधकर्ता हैं, है ना, ये हमें प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं क्या, एविडेंस, प्रमाण उपलब्ध कराते हैं ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन इन 36 डिस्ट्रिक्ट इन 50 स्टेट्स। तो इनके माध्यम से, ICMR के माध्यम से, इसके अलावा ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़े हुए जो रिसर्चर्स हैं, है ना, जो अनुसंधान करता है, इन्होंने हमारे सामने कुछ प्रमाण उपलब्ध कराए हैं। क्या प्रमाण उपलब्ध कराए हैं? कम्युनिटी ट्रांसमिशन के। कम्युनिटी ट्रांसमिशन मतलब कि भाई समाज में इस कोरोना वायरस के फैलने के प्रमाण हमारे पास मिले हैं 36 जिले और 15 स्टेट्स, इनमें इस बात की संभावना है कि कोरोना वायरस जो है कम्युनिटी लेवल पर फैल रहा है। आगे देखते हैं कि ये जो अध्ययन किया गया, ये जो परीक्षण किया गया, द स्टडी इज बेस्ड ऑन, तो ये अध्ययन जो है इस बात पर आधारित है, ऑन सेंटिनल सर्वेलेंस। सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी, और ये जो शब्द आया ना सेंटिनल, इसका मतलब होता है एक तरीके से बीमारी को दिखाने वाला, यानी कि ऐसी निगरानी या ऐसा सर्वे जो कि बीमारी को प्रदर्शित करता है ना, उसको बोला हमने क्या, सेंटिनल सर्वेलेंस। अंडरटेकन,
अंडरटेकन मतलब कि भाई किसके अधीन ये काम किया गया, तो ये जो सर्वे किसके अधीन किया गया, किसके किसने किया है सर्वे, बाय द टास्क फोर्स, द स्टडी इज बेस्ड ऑन सेंटिनल सर्वेलेंस अंडरटेकन बाय द टास्क फोर्स, कि यह जो टास्क फोर्स है जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़नी लगी हुई है, इसने ये सर्वे किया है ना, अमोंग सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसको बोलते हैं सारी, SARI, सीवियर का मतलब होता है गंभीर, एक्यूट मतलब बहुत ज़्यादा तेज, रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन से संबंधित, इन्फेक्शन इन्फेक्शन यानी संक्रमण है ना, तो यानी कि सांस से या फिर श्वसन से संबंधित जो इन्फेक्शन होता है ना, तो इस संबंध में जो है एक सर्वे किया गया है ना, तो उस सर्वे के आधार पर उन पेशेंट्स का सर्वे किया गया हु हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड इन पब्लिक उन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन, हु हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड, जिनको कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन यानी कि एक तरीके से ये जो सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो अस्पताल है ना, इन अस्पतालों में जिन लोगों को भर्ती कराया गया, टू आइडेंटिफाई द स्प्रेड इस कोरोना वायरस के फैलाव को पहचानने के लिए है ना, एंड द एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब वो सीमा किस हद तक जो है चीज़ फैल रही है, एंड द एक्सटेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ COVID-19 डिसीज इन द कम्युनिटी, एंड द एक्सटेंट ऑफ ट्रांसमिशन, और किस हद तक ये जो COVID-19 बीमारी है ये कम्युनिटी में फैल रही है, इन सबको जानने के लिए जो है ये सर्वे किया गया। आगे देखते हैं, इफ देयर वर 1.9% SARI केसेस पॉजिटिव, इफ देयर वर 1.9% SARI केसेस पॉजिटिव फॉर द SARS-CoV-2 वायरस बाय द एंड ऑफ मार्च 3rd week, कि यह जो मार्च का तीसरा सप्ताह समाप्त हुआ तब तक अगर ये जो COVID-19 के पेशेंट्स हैं इनकी अगर हम बात करें, तो एक तरीके से ये जो सारी के केसेस जो पॉजिटिव मिले ना हमें, यानी कि ये जो कोविड कोरोना वायरस के माध्यम से जो मिले, वो मिले 1.9%, द नंबर इंक्रीज्ड, और फिर ये आंकड़ा जो है ये और बढ़ गया टू 104 बाय अप्रैल 2, यानी कि मार्च, यानी कि ये जो मार्च का तीसरा वीक है ना, उस तक आंकड़ा था कितना, एक तरीके से 1.9%, यानी कि 2 of 106, इसके बाद में ये आंकड़ा बढ़ गया और कितना हो गया 104 बाय अप्रैल 2 तक, ऑफ द 102 कोरोना वायरस पॉजिटिव सारी केसेस टेस्टेड बिटवीन मार्च 22 एंड अप्रैल 2, 40 हैड नॉट ट्रेवल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट विथ अ पॉजिटिव केस। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, कि यह जो 102 लोग एक तरीके से SARI के पॉजिटिव पाए गए ना, 102 लोग जो कि SARI के पॉजिटिव पाए गए, जिनका कि परीक्षण जो है 22 मार्च से और 2 अप्रैल के बीच में किया गया, तो इनमें से 40 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिनकी कि कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, यानी कि उन्होंने कोई यात्रा नहीं की, और कॉन्टैक्ट विथ अ पॉजिटिव केस, और ये लोग जो है किसी पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में भी नहीं आए, इसके बावजूद भी इनमें संक्रमण पाया गया। तो ये इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये जो है बीमारी एक तरीके से कम्युनिटी लेवल पर फैल चुकी है। डाटा ऑन एक्सपोजर वर नॉट अवेलेबल फॉर 59 केसेस, इसके अलावा ये 40 व्यक्तियों का तो हमने पता लगा लिया, इसके अलावा ये जो 59 जो लोग हैं इनके बारे में हमारे पास डेटा ही उपलब्ध नहीं थे, है ना, कि भई ये किन के लोगों के एक्सपोजर, किन लोगों के संपर्क में आए या नहीं आए। आगे देखते हैं, इफ मोर देन 1% ऑफ SARI पेशेंट्स टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस इन 15%, कि यदि ये जो SARI पेशेंट्स हैं, है ना, इनमें से 1% से भी ज़्यादा पॉजिटिव पाए गए इस कोरोना वायरस के लिए 15 राज्यों में, एट 21 महाराष्ट्र हैड द मोस्ट नंबर ऑफ कोरोना वायरस पॉजिटिव SARI केसेस इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स फॉलोड बाय दिल्ली 14 केसेस। तो देखो एडिटोरियल क्या बताना चाह रहा है, कि पूरे के पूरे आंकड़े देता है हमें कि भाई 21 केस पाए गए कहाँ पे, महाराष्ट्र में, हैड द मोस्ट नंबर ऑफ कोरोना वायरस पॉजिटिव SARI केसेस है ना, इन 8 डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के 8 जिलों में। इसके बाद में कंडीशन हमें देखने को मिली दिल्ली में 14 केसेस, ठीक है, इसके बाद गुजरात है और इसके बाद है वेस्ट बंगाल। तो इनमें जो है इस प्रकार की, इस बात की संभावना नज़र आ रही है कि एक तरीके से कम्युनिटी लेवल पर जो है कोरोना वायरस फैल चुका है। केरला हैड जस्ट 1 SARI पेशेंट टेस्टिंग पॉजिटिव, केरल में सिर्फ जो है हमें 1 केस पॉजिटिव देखने को मिला। द ऑथर्स पॉइंट आउट
ऑथर्स, यानी कि ये जिसने एडिटर लिखा है ना, जिसने ये एडिटोरियल लिखा है, तो वही लेखक कहना चाहता है द ऑथर्स पॉइंट आउट, कि भाई पॉइंट आउट का मतलब है ये निष्कर्ष है, ये नतीजा है, इस बात का उल्लेख करना चाहता है ऑथर दैट कि एंटीबॉडी बेस्ड टेस्टिंग, कि एंटीबॉडी आधारित जो परीक्षण जो कि किया गया, कैरिड आउट का मतलब है अंजाम देना है ना, किसी काम को करना, इन दोज टेस्टिंग नेगेटिव फॉर मॉलिक्यूलर टेस्ट कुड हैव हेल्प, इसके माध्यम से मदद हुई होती, ये मदद कर सकता था आइडेंटिफाई मोर पॉजिटिव केसेस. एडिटर ये कहना चाहता है, लेखक ये कहना चाहता है कि एंटीबॉडी बेस्ड टेस्टिंग, कि भाई ये जो एंटीबॉडी आधारित जो कि टेस्टिंग की गई है ना, जिसको कि अंजाम दिया गया, किन लोगों में, उन लोगों में, इन दोज टेस्टिंग नेगेटिव, जिन लोगों का परीक्षण किया गया और जो नेगेटिव पाए गए, किस संबंध में, मॉलिक्यूलर टेस्ट. भाई ये दो प्रकार के टेस्ट हैं, एक है मॉलिक्यूलर टेस्ट और दूसरा है एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट, है ना. तो जिन लोगों का मॉलिक्यूलर टेस्ट किया गया और वे नेगेटिव आए, तो एडिटोरियल उनका कहना चाहता है, इसके बाद में जो एडिटोरियल ये बात करना चाहता है कि भाई अगर उन लोगों में एंटीबॉडी टेस्ट भी की गई होती ना, तो इसके माध्यम से हमारी मदद हो सकती थी और अधिक पॉजिटिव केसेस को पहचानने में. विद कम्युनिटी ट्रांसमिशन और द थर्ड स्टेज, विद कम्युनिटी ट्रांसमिशन और द थर्ड स्टेज, कि भाई एक तरीके से हम बात करें तो एक तरीके से कम्युनिटी स्तर पर इस वायरस का फैलाव होना, या फिर इसको थर्ड स्टेज भी कह सकते हैं, ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है ना, इसे ही थर्ड स्टेज भी बोलते हैं हम, है ना. नाउ बींग कन्फर्म्ड, अब लगभग ये कन्फर्म हो चुका है क्या, कम्युनिटी ट्रांसमिशन इन 36 डिस्ट्रिक्ट, है ना, 36 जिलों में. एन एक्सपेंशन एंड चेंज इन टेस्टिंग स्ट्रेटजी, एन एक्सपेंशन का मतलब है फैलाव, एंड चेंज परिवर्तित करना, टेस्टिंग स्ट्रेटजी हैज़ बिकम इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है साहब ये, इन द हाई फोकस एरिया. हाई फोकस एरिया का मतलब है ऐसे एरिया जहाँ पर कि कोरोना वायरस के फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, है ना. तो एडिटोरियल, फॉर द लॉकडाउन टू बी मीनिंगफुल, कि हमने ये जो भारत में लॉकडाउन लगा रखा है, इस लॉकडाउन, ये लॉकडाउन लगाना सार्थक हो, है ना. फॉर द लॉकडाउन टू बी मोर मीनिंगफुल, कि भाई ये जो लॉकडाउन लगाना है, लॉकडाउन करना है, ये लॉकडाउन करना जो है सार्थक सिद्ध हो, इसके लिए ये आवश्यक है साहब कि जो भी कोरोना वायरस से संबंधित जो भी हाई फोकस एरिया हैं, उनमें हम क्या करें, उनमें जो है स्ट्रेटजी को जो है चेंज करें, है ना. एंड एक्सपेंशन, है ना, एंड चेंज इन टेस्टिंग स्ट्रेटजी, कि ये जो टेस्ट कर रहे हैं ना हम कोरोना वायरस के मरीजों का, तो इसका टेस्ट व्यापक रूप से किया जाए, और ये जो हमारे टेस्ट करने की जो प्रोसेस है, जो पद्धति है, उसमें भी जो है कुछ बदलाव किए जाए, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी बन चुका है. दो, यद्यपि द टास्क फोर्स हैज़ नॉट ओपनली डिक्लेयर्ड कम्युनिटी ट्रांसमिशन, हालांकि कि ये जो टास्क फोर्स है जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में लगी हुई हैज़ नॉट ओपनली डिक्लेयर्ड, उसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा नहीं की है. किस बात की, कम्युनिटी ट्रांसमिशन, यानी कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो हमारी टीम एक तरीके से लड़ाई लड़ने में लगी हुई ना, उसने बिल्कुल खुल के नहीं कहा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में, कि भाई उसने बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर दिया हो कि हाँ कम्युनिटी लेवल पे ट्रांसमिशन हो चुका है कोरोना वायरस का. इट इज़ रीअश्योरिंग, यह आश्वस्त करने वाला है, टू नोट, है ना, ये मतलब ये नोट किए जानी चाहिए बात, ये आश्वस्त करने वाली बात है दैट द ICMR, कि भाई ये जो हमारी ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, हैज़ ऑलरेडी इनिशिएटेड. इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, कि ICMR ने शुरुआत कर दी है, ICMR शुरुआत कर चुकी है, किस चीज़ की, चेंजेस इन द टेस्टिंग स्ट्रेटजी, कि ये जो हम परीक्षण कर रहे हैं ना कोरोना वायरस का, ये जो परीक्षण करने के लिए जो स्ट्रेटजी हमने बना रखी है, जो नीति हमने बना रखी है, उस नीति में ICMR ने परिवर्तन करना शुरुआत कर दी है. इन रिस्पॉन्स टू मतलब प्रतिक्रिया देते हुए, टू द चेंज इन द पैटर्न ऑफ कम्युनिटी स्प्रेड, टू द चेंज इन द पैटर्न ऑफ कम्युनिटी स्प्रेड, कि भाई ये जो सामुदायिक स्तर पर ये जो फैलाव कोरोना वायरस का हमें देखने को मिल रहा है, जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, इस पैटर्न को प्रतिक्रिया देने के फलस्वरूप ICMR ने जो है पहल कर दी है कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग में जो है कुछ व्यापक बदलाव किए जाएं. ऑन अप्रैल 9 अप्रैल को हमें क्या देखने को मिला, द ICMR रिवाइज्ड, ICMR ने क्या किया, पुनः से देखा, रिवाइज किया, किस चीज़ को, द टेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉर हॉटस्पॉट्स क्लस्टर्स. हॉटस्पॉट क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, ग्रुप. हॉटस्पॉट का मतलब अत्यधिक गतिविधि से भरे हुए केंद्र. तो जो भी झुंड वाली जगह है या जो भी अत्यधिक गतिविधि से भरे हुए केंद्र हैं, तो इन जगहों पर जो है टेस्टिंग स्ट्रेटजी को जो है दोबारा से रिवाइज किया, दोबारा से संशोधित किया है ICMR ने. एंड लार्ज माइग्रेशन गैदरिंग्स, इवैक्यूएशन सेंटर, इसके अलावा
जो भी बड़े बड़े ऐसे सेंटर्स हैं ना जहाँ पर ये जो प्रवासी लोग इकट्ठे हो रखे हैं, या फिर प्रवासी लोगों को एक तरीके से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह इवेक्यूएट किया जा रहा है, यानी कि जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह है उन भीड़ भाड़ वाली जगहों पर परीक्षण करने की स्ट्रेटजी में परिवर्तन किया गया है। वाइल द क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग अक्रॉस इंडिया रिमेन्स द सेम, कि जबकि अभी जो वाइल से सेंटेंस होता है ना, तो इसमें क्या है कि दो वाक्यों को जोड़ा जाता है ना, साथ ही साथ दो काम चल रहे हो ना, तब हम उनको वाइल से बताते हैं कि भाई एक तरफ तो ये चल रहा है और दूसरी तरफ ये चल रहा है। तो एक तरफ तो क्या चल रहा है कि द क्राइटेरिया, कि भाई जो मापदंड हमने परीक्षण करने के लिए पूरे भारत में स्थापित कर रखे हैं ना, वो सेम बने हुए हैं। द टेस्टिंग नॉर्म्स, लेकिन ये जो टेस्ट करने के जो प्रावधान हैं, फॉर द हाई फोकस एरिया विल नाउ इंक्लूड पीपल विथ इन्फ्लुएंजा लाइक इनलेस विथ सर्टन सिम्टम्स। तो लगभग एक तरीके से अभी भी जो है समान बने हुए हैं, टेस्टिंग तो जो है पूरे भारत में समान रूप से जारी है, लेकिन टेस्टिंग करने के जो प्रावधान है, जो नॉर्म्स हैं, है ना, खास करके हाई फोकस एरिया है ना, खास करके कोरोना वायरस से जो ज़्यादा संवेदनशील एरिया है ना, उन एरियाज़ में विल नाउ इंक्लूड, अब हम वहाँ पर क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे किन चीज़ों को, विथ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, विथ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, कि भाई कुछ सर्टेन सिम्टम्स, कि भाई कुछ निश्चित अगर हमें लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा जैसे भी लक्षण अगर हमें दिखाई देते हैं, तो इन लोगों को भी जो है परीक्षण की कैटेगरी में जो है शामिल किया जाएगा। आगे देखते हैं कि एंटीबॉडी टेस्टिंग शुड बी कैरिड आउट, दो तरह की टेस्टिंग होती है, एंटीबॉडी टेस्टिंग शुड बी कैरिड आउट, कि एंटीबॉडी टेस्टिंग, एंटीबॉडी परीक्षण जो है उसको किया जाना चाहिए, शुड बी कैरिड आउट, उसको अंजाम दिया जाना चाहिए, वेन एवर, जब भी मॉलिक्यूलर टेस्ट, कि जब मॉलिक्यूलर परीक्षण किया जाता है ऑन दीज पेशेंट, मरीजों का टर्न आउट नेगेटिव, कि भाई जब भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों का परीक्षण किया जाता है, मॉलिक्यूलर परीक्षण किया जाता है और रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तो इसके बाद में उनका एंटीबॉडी टेस्टिंग भी की जानी चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बात बहुत आवश्यक है, टू इंक्लूड एंटीबॉडी टेस्टिंग, कि हम ये जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है इसे शामिल करें अलॉन्ग विथ, किसके साथ, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, कि भाई मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के साथ ही एंटीबॉडी टेस्टिंग भी की जानी चाहिए जब भी हमें ज़रूरी लगे, वेन एवर वेन नेसेसरी इन द हाई फोकस एरिया। हाई फोकस एरिया मतलब कि ये जो भी संवेदनशील एरिया है जो है ना, वहाँ पर जहाँ कहीं भी हमें ज़रूरत लगे तो तुरंत मॉलिक्यूलर टेस्टिंग और एंटीबॉडी टेस्टिंग दोनों की दोनों को जो है परफॉर्म किया जाना चाहिए। टुगेदर विथ, साथ में, टुगेदर विथ कंटेनमेंट मेजर्स, टुगेदर विथ कंटेनमेंट मेजर्स, कंटेनमेंट मेजर्स का मतलब है रोकथाम के उपाय, कि रोकथाम के उपायों के साथ में दिस अप्रोच, कौन सी अप्रोच, यही अप्रोच, ये अप्रोच का मतलब है कि भाई कौन सा दृष्टिकोण, यही दृष्टिकोण हमारा कि मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के साथ में जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो हमें एंटीबॉडी टेस्टिंग भी करनी चाहिए, है ना, तो इन सब के साथ साथ जो भी हम रोकथाम के उपाय जो कर रहे हैं इन सबको अगर हम साथ ले लें तो इनके माध्यम से क्या होगा, विल हेल्प इन स्नैपिंग द ट्रांसमिशन चेन, इसके माध्यम से हमें मदद मिलेगी, किस चीज़ में मदद मिलेगी, कि ये जो ट्रांसमिशन चेन है ना कोरोना वायरस की, जो फैलने की चेन है, इसे कट करने में, इसे स्नैप करने में। सिंड्रोमिक सर्वेलेंस, अब ये देखो सिंड्रोम क्या मतलब होता है, सिंड्रोम का ये जो रोग के लक्षण जो नज़र आते हैं ना, तो सिंड्रोमिक सर्वेलेंस का मतलब है निगरानी, यानी कि रोग के लक्षणों को देखना, उनकी निगरानी करना, है ना, ऑफ ऑल SARI एंड ILI पेशेंट्स, कि भाई जो भी हमारे पास मरीज हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंजा से संबंधित हो चाहे वो SARI से संबंधित हो, इन सब की जो है, इन सब के रोगों की निगरानी करना, है ना, अलॉन्ग विथ, इसके साथ ही साथ क्विक एंड इफेक्टिव ट्रेसिंग, जल्द से जल्द और प्रभावी तरीके से जो है पता लगाना, ट्रेस करना। क्वारंटाइनिंग, क्वारंटाइनिंग का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित पाया गया है ना कोरोना वायरस से, तो उसको कुछ दिनों के लिए अलग कर देना, है ना, तो उसको क्वारंटाइन करना। एंड टेस्टिंग ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, इसके अलावा कोई व्यक्ति जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया उसके कॉन्टैक्ट में और कौन कौन लोग आए ना, टेस्टिंग ऑफ देयर कॉन्टैक्ट शुड बी द वे फॉरवर्ड नाउ, अब सिर्फ यही वे होना चाहिए हमारे पास, यही मार्ग होना चाहिए, फॉरवर्ड नाउ, फॉरवर्ड नाउ मतलब अब आगे हमारे पास अब यही तरीका होना चाहिए कि हम इन उपायों का सहारा लें। हाउ वेल इंडिया रेस्पॉन्ड्स, कि भाई कितनी बेहतर तरीके से इंडिया प्रतिक्रिया देता है, नाउ विल डिटरमाइन, इससे ही यह सुनिश्चित हो पाएगा कि भाई वेदर द स्प्रेड इज कंटेंड क्विकली, कि क्या इस वायरस के फैलाव को जो है जल्द से जल्द नियंत्रित कर लिया जाता है, और लीड्स, और लीड का मतलब है ये वायरस हमें ले जाता है, ये वायरस कारण बनता है टू मोर केसेस एंड डेथ, कि भाई अब क्या होगा आने वाले समय में, कि क्या इस वायरस को नियंत्रित कर लिया जाएगा या फिर ये वायरस जो है कारण बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा मृत्युएं होने का और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस फैलने का, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि भारत कैसी प्रतिक्रिया दिखाता है।